अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई बुज़ुर्गों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको TCL T3 Pro का छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का रिव्यू दिखाने जा रहा हूं। आप खुद देखें कि TCL T3 Pro टेम्परेचर रूम का अचीव करने के बाद कितनी बिजली कंज्यूम करता है, कितने एम्पेयर पर चलता है, ठीक है? और बग़ैर देर किए चलते हैं, छोटी सी वीडियो देखते हैं TCL T3 Pro के एनर्जी कंजप्शन की। आप ये देख सकते हैं भाइयों, ये एसी 1.8 1.7 एम्पेयर के राउंड अबाउट बिजली कंज्यूम कर रहा है। और इंशाल्लाह आगे चल के जिन भाई ने ये एसी लगवाया उनकी वॉइस रिकॉर्ड भी मैं आपको सुनाता हूँ कि वो इस एसी के बारे में क्या कहते हैं, कितना ये एनर्जी एफिशिएंट है, क्या ये पाकिस्तान का नंबर वन एनर्जी एफिशिएंट एसी है या कि वो कोई और है। दोस्तों, अब आ गए हम व्हाट्सएप की स्क्रीन पे, और जहाँ मेरी और उन भाई की जो कि बड़े बड़े मुखलिस दोस्त हैं उनसे इस एसी के बारे में जो डिबेट हुई है वो थोड़ी सी आपको भी सुनाते हैं। तो मैंने उनसे क्या सवाल किया, ये आप भी सुनिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? तबीयत से सब खैरियत है जी? अच्छा भाई जान, आपने वो TCL T3 Pro की मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की वीडियो भेजी थी, वो मैं एडिट करके अपलोड करने की प्रोसेस में, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी कि ये कितने इसने घंटे के बाद टेम्परेचर अचीव किया है और ये 1.2 एम्पीयर और 2.5 पे चल रहा है। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। 1.2 पे तो खैर बड़ी मुश्किल से आता है, वो भी बहुत लंबी देर चलने के बाद। 2.9 2.5 1.9 इस पे आ जाता है कोई डेढ़ दो घंटे चलने के बाद। जी तो दोस्तों, आपने सुना है कि ये सी 1.9 2.9 3.9 इस पे आ जाता है। और अगला मैसेज मेरा शुक्रिया का, इन्हें तीसरे मैसेज में इन्होंने छोटी सी गुफ्तगु की है और उस गुफ्तगु को मैं रास्ते में ही रोक दूंगा, पहले आप सुनिए। हाँ लेकिन बेताज बादशाह जो। जी तो दोस्तों, आपने सुना है, ये अब अगले अल्फाज कहने लगे थे कि ये भी इन्होंने एसी लगवाया हुआ है, मगर जो बेताज बादशाह है ना वो ही है जिसका 2 टन के एसी का कितने घंटे चलने के बाद तो बिल सिर्फ 2500 रुपये आया है। ये इंशाल्लाह नंबर वन टॉप वन इन्वर्टर एसी जो होगा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में दुनिया का नंबर वन, उसकी आने वाली वीडियो में इस एसी के नाम से पर्दा हटा दिया जाएगा। सो तो दोस्तों, ये थी TCL T3 Pro की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वीडियो ला रहा हूँ जिसमें टॉप 7 इन्वर्टर एसीज का मैं जिक्र करूँगा। उस पर ही मैं रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत तो हो रही है। मिट्सुबिशी भी है, LG भी है, सभी के टेस्ट मैं दबा के कर रहा हूँ और फाइनल डिसीजन इंशाल्लाह उस वीडियो में बताऊँगा कि 2021 में सबसे कामयाब तरीन एसी कौन सा रहा है और आपके बजट के लिहाज से आपके लिए कौन सा एसी सूट करेगा। इंशाल्लाह वो वीडियो बहुत जल्द आ रही है, ठीक है? तो बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अगर वो आने वाली वीडियो भी आप देखना चाहते हैं, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, अल्लाह हाफिज़। और मज़ीद नई ताज़ी ये है, दोस्तों के घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का रिपेयरिंग का काम शुरू किया हुआ है, जिस जिस जगह सैलाब थी वहाँ टाइलें वगैरह लगाई जा रही हैं, और टाइलें लगाने से पहले पेंट वाले भी बुला लिए थे, उन्हें छुट्टी करवा दिया क्योंकि रगड़ाइयाँ करवानी थी और बड़ा मिट्टी उड़नी थी। तो ये आप फोटोज़ में भी देख सकते हैं, कुछ जगह टाइल्स लग चुकी हैं, कुछ जगह लगानी हैं, कुछ पसंद की जा रही हैं आउटडोर के लिए सिरामिक स्टाइल,
और इस तरह की परचेजिंग वगैरह आजकल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर जो है गेट के साथ दीवार बड़ी सलाब थी और मज़ा नहीं था आ रहा, मतलब लोकेशन घर का व्यू बहुत गंदा हो रहा था इस वजह से। तो खैर बाकी ये टाइलें आप भी देखें, ये मार्केट में घूम के बड़े किस्म की टाइलें देखी, उनकी प्राइजेस चेक की। इंशाल्लाह इस पे वीडियो भी मेरी मेरा इरादा था कि बनाऊँ, ताकि आप लोगों को भी टाइल्स सिरामिक्स उनकी क्वालिटी उनकी कीमतें पता हों कि कौन कौन सी कहाँ कहाँ किस किस किस्म की टाइल्स मिलती हैं, कौन सी आउटडोर के लिए बेहतर होती हैं, फला 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 फला। ये आप देखें कितनी किस्म की मार्केट में टाइल्स हैं।